हेलो फ्रेंड्स, इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ तो फ्रेंड्स, आज हमारा क्वेश्चन था हाउ टू प्रिपेयर फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। वी आर टॉकिंग अबाउट हियर जुडिशरी। सो दोस्तों, जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन बेसिकली जो एग्जामिनेशन होता है ये हर अलग अलग स्टेट के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। वैसे अगर हम जानने की कोशिश करें कि हमें कैसे हम किस प्रकार से जुडिशरी में जा सकते हैं, तो सबसे पहला जो मेन इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि हम सब जानते हैं कि सबसे जुडिशियल सर्विसेज में आने के लिए हमको लॉ करने की आवश्यकता है। लॉ 3 साल का भी हो सकता है और 5 साल का भी हो सकता है, ईदर ऑफ 3 ईयर्स और 5 ईयर्स। लॉ करने के बाद, LLB करने के बाद आप जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। जैसे कि हम इस समय जानते हैं कि इस समय हाल फिलहाल में जो जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के फॉर्म आए हुए हैं उसमें हरियाणा के फॉर्म आया हुआ है, छत्तीसगढ़ का फॉर्म आया हुआ है, ये मेन फॉर्म इस समय आए हुए हैं और लोग जो जुडिशियल एस्पायरेंट हैं वो इन फॉर्म को भर भी रहे हैं और डेफिनेटली वो एग्जाम्स क्लियर करते भी हैं लोग और जज बनते हैं। हाँ, मेहनत की बात है, मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत आप जैसे लोग ही होते हैं जो मेहनत करते हैं और इस एग्जाम को क्लियर करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कम बैक टू अवर क्वेश्चन, हाउ टू प्रिपेयर फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट देयर आर टू वेज टू गेट इनटू दिस जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड वन वे इज इधर यू कम थ्रू सिविल जज जूनियर डिवीजन और यू कम बाय HJS हायर जुडिशियल सर्विसेज। This higher judicial services part we will consider in another video. First of all, we will focus on this part, civil judge junior division. Okay, guys, this is very important that civil judge junior division होता क्या है और हम कैसे इस services के through आते हैं। Civil judge junior division जो हमारी judicial hierarchy है उसमें जो junior civil judge की जो शुरुआत होती है, जो judiciary की जो शुरुआत होती है उस एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं। ये सिविल जज जूनियर डिवीजन एग्जाम होता है, ये हर स्टेट का अलग एग्जाम होता है। इसको स्टेट्स के नोटिफिकेशन आते हैं और उन स्टेट्स के नोटिफिकेशन के हिसाब से जो लॉ कर चुके होते हैं एस्पायरेंट वो इस फॉर्म को फिल करते हैं और जितनी भी संख्या होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 वैकेंसी आई, फॉर एग्जाम्पल हरियाणा में 109 वैकेंसी आई है, तो 109 वैकेंसी में कुछ वैकेंसीज जो होती हैं वो स्टेट के लिए होती हैं कि उनके सिर्फ स्टेट के लोग ही ले सकते हैं और बाकी अगर और दूसरे स्टेट के लोग भरते हैं तो उन्हें, अगर वो सपोज मान लीजिए OBC हैं या SC ST कैटेगरी के हैं, तो उन्हें जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाता है उस पर्टिकुलर दूसरे स्टेट में। हम फॉर्म फिल कर सकते हैं और एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। सो लेट अस अगेन कम बैक टू द क्वेश्चन। तो हम सिविल जज जूनियर डिवीजन की बात कर रहे थे। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेट्स जो है एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। इसमें मेनली जो होता है लॉ पोर्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, लॉ पोर्शन पूछा जाता है सबसे ज्यादा। इसमें कई सारे लॉज जो मेनली हमारा जो कोर लॉ है, फॉर एग्जाम्पल IPC, CRPC, एविडेंस, CPC, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, इन सब के अलावा मैं पूरी लिस्ट नहीं लिख रहा हूँ, इन सब के अलावा भी हर स्टेट के कुछ लोकल एक्ट्स होते हैं उनको पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कई सारे स्टेट के रेंट लॉस पूछे जाते हैं, जैसे अगर दिल्ली की अगर हम बात करें तो वहाँ पे दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट पूछा जाता है। अगर हम UP की बात करें तो वहाँ पे UPZLR अभी भी पूछा जाता है, हालांकि UPZLR से आगे भी एक्ट बन चुका है रेवेन्यू कोड, लेकिन अभी भी वो UPZLR पूछते हैं बिकॉज उनका मानना है कि जो नए सिविल जज आएंगे उनको पुराने मैटर्स लेने पड़ते हैं, तो UPZLR से ये भी उनका काम चलेगा कुछ साल तक, तो UPZLR होते हैं। इसी तरीके से कई सारे जो लॉस होते हैं वो आते हैं, उनका पर्टिकुलर हर स्टेट का अपना एक सिलेबस होता है। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने से पहले उसके सिलेबस को देखिए। फिर इसके अलावा जो सब्सटेंशियल पोर्शन रहता है वो रहता है GS का पोर्शन रहता है, प्लस करंट अफेयर्स, प्लस लीगल GK जिसमें आप जजमेंट्स मान सकते हैं या इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें मान सकते हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछी जा रही हैं। इन सब चीजों को अगर हम अच्छे से पढ़ें तो जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम जो कि सिविल जज जूनियर डिवीजन के एग्जाम है आसानी से क्लियर हो सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच एंड आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने में हमारी मदद करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। This is impressive zone.